यूपी बिहार के रास्ते झारखंड के धनबाद से चेन्नई के लिए 4 जुलाई से एक नई ट्रेन का संचालन होगा चालू। और इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे ट्रेन के टाइमिंग, रूट और स्टॉपेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन नंबर 06077 और 06078 के साथ एक नई ट्रेन का संचालन को हरी झंडी दिया है। यह ट्रेन ताम्बरम से धनबाद के बीच अनरिजर्वेशन कैटेगरी की स्पेशल ट्रेन के साथ चलाई जाएगी, जो कि 4 जुलाई से इस ट्रेन का संचालन झारखंड के धनबाद से चालू होने जा रहा है। यह ट्रेन प्रयागराज छिमकी रेलवे स्टेशन के अलावे बिहार के कई बड़े रेलवे स्टेशन होकर गुजरेगी। आइए बात करते हैं कौन कौन सी रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज रहने वाला है, जिसमें कि बिहार और यूपी होकर जो ट्रेन चल रही है इसमें किन रूट के यात्रियों को इस ट्रेन का डायरेक्ट सुविधा मिलेगा। बात करते हैं इस ट्रेन के स्टॉपेज के बारे में, तो धनबाद रेलवे स्टेशन से 3:35 पर दोपहर में यह ट्रेन खुलेगी और यहां से खुलने के बाद गोमो रेलवे स्टेशन के रास्ते कोडरमा, गया, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मानिकपुर, सतना जंक्शन, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर के रास्ते इटारसी होते हुए यह ट्रेन तीसरे दिन चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी और करीब 2812 किलोमीटर का सफर तय करके यह ट्रेन तीसरे दिन 8:50 पर रात में अपने गंतव्य रेलवे स्टेशन को आएगी। इसी बीच दूसरी दिशा में भी यह ट्रेन चलेगी और जैसा कि हमने आपको बताया, दूसरी दिशा में यह ट्रेन 06077 के साथ ताम्बरम से धनबाद के बीच चलाई जाएगी। तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और आने वाली नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।